तो फाइनली भाई राइज ड्रॉयड के 10.1 अपडेट का ऑफिशियल वर्जन आ चुका है पोको एक्स 3 प्रो के लिए। और भाई ये जो अपडेट है इसमें क्या फास्ट चार्जिंग फिक्स हुई है, क्योंकि हमने जितने प्रीवियस अपडेट्स को चेकआउट किया था इस डिवाइस के लिए तो वहाँ पे स्लो चार्जिंग का इशू था 33 वॉट से। तो क्या यहाँ पर वो इशू फिक्स हुआ है, क्या कुछ नए चेंजेस हैं, कैसी ऑप्टिमाइजेशन है, कैसी गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलती है, सभी चीज़ों के बारे में बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फोन पेज से। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल अपडेट मिलेगा एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ। राइस ओएस वर्जन 10.1 है और मैंने जीएप्स वाला बिल्ड इंस्टॉल किया है, तो इसमें पिक्सल लिखा आपको मिलेगा। एंड जनवरी 5 2023 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलता है। एंड पेरी राइस नेम से कर्नल है और कल ही ये जो अपडेट है वो रिलीज हुआ है। सबसे पहले आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड मिलेगा, वाइड बैंड L1 है, गूगल फोटोज में आपको स्पूफिंग मिलेगी और फाइनली जो है आपको फास्ट चार्जिंग वर्किंग मिल जाएगी 33 वॉट से। पहले जो है मैक्सिमम स्पीड 1800 मिली एम्पियर के आसपास आती थी 33 वॉट से, बट फाइनली ये चीज़ फिक्स हो चुकी है। ये मेरा बैटरी कंजप्शन है, ओवरऑल मॉडरेट आपको बैटरी कंजप्शन मिल जाएगा। मैंने इसको नॉर्मली यूज़ किया, आइडल ड्रेन काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम्स मेरे को मेजर नहीं आए। 94% तक आपका सीबू थ्रॉटल करेगा और नंबर ऑफ GIPS आप रीड कर सकते हो। एंड ऑलमोस्ट 6,26,000 के आसपास मैक्सिमम आपको यहाँ पे जो है एंटूटू स्कोर्स मिलेंगे। एंड ये गीकबेंच 5 के स्कोर्स हैं और वाइल्डलाइफ टेस्ट के स्कोर्स भी आपके सामने हैं। अब इसमें जो स्टॉक कैमरा आपको यहां पर देखने को मिल जाता है ना, तो यहां पर कोई भी आई थिंक आपको स्टॉक कैमरा नहीं मिलेगा, तो मैंने यहां पे कोई भी कैमरा अभी तक नहीं देखा। बट LMC 8.4 मैं यूज कर रहा हूं एंड इसका वीडियो भाई थोड़ा सा टाइम और दे दो मेरे को, मैं जल्दी से लाने की कोशिश करूंगा। अब मैक्सिमम भाई 3 वीडियोज एक दिन में अपलोड कर सकता हूं, बट उससे ज्यादा भी वैसे बना तो सकता हूं, बट अपलोड करने के लिए प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और तब भाई जो है काफी सारा झोल हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे वीडियो में आपको स्लो मोशन वीडियोस 1/8x तक वर्किंग मिल जाएगी और यहां पे कोई भी प्रॉब्लम्स इस कैमरा के रिगार्डिंग मैंने फेस नहीं की इस रोम में। रोम के स्मूथनेस के ऊपर आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक सेटिंग पैनल को पुल डाउन करने में यहां पे लैग आपको नहीं मिलेगा। अब काफी सारी रोम्स में लैग होता है जब हम फुली एक्सपेंड करते हैं, बट ये रोम काफी अच्छे से आपको ऑप्टिमाइज्ड मिलती है इस मामले में। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की जो स्पीड है वो आप चेकआउट कर सकते हो। और ये GApps वाला वेरिएंट है ना, इसमें भाई जो है आपको गूगल डायलर देखने को मिलता है। पहले आई थिंक थोड़ा ओपन सोर्स टाइप एक डायलर था जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग था, बट इसमें जो है आपको गूगल डायलर देखने को मिलता है एज अ स्टॉक डायलर। और यहां पे अगर आप कैमरा वगैरह भी ओपन क्लोज करते हो ना तो भी आपको लैग नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस भाई काफी नेक्स्ट लेवल आपका होने वाला है इस रोम में, ऑप्टिमाइजेशन की आपको कमी नहीं मिलती UI के पर्सपेक्टिव से। एंड अगर आप ऐप यहां पे जो है स्क्रोलिंग को चेकआउट करना चाहते हो तो वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा, यहां पे लैग नहीं आएगा। और ये होम सेटिंग्स है जिसमें राइस ओएस वर्जन है, सुशी लॉन्चर आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पे आपको वही सारी कस्टमाइजेशंस देखने को मिलती है जो कि हमने ऑलरेडी इनको चेकआउट कर रखा है। फीचर्स को चेक करेंगे एंड सबसे पहले मैंने ना यहां पर एक्सट्रीम बैटरी सेवर को देखा जिसका APK आपको बाहर देखने को मिलेगा। आप इसको यूज यहां से कर सकते हो, एसेंशियल एप्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा और नीचे कुछ और एप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनके लिए आप बैटरी सेवर वगैरह ऑन कर सकते हो। अब सेटिंग्स में चलेंगे तो ये इंटरफेस ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनलाइजेशन में बटन्स का सेक्शन है और यहाँ पे पावर मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर भी नए चेंजेस आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो लेफ्ट शॉर्टकट है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो, बेसिकली ये वाले शॉर्टकट्स हैं, अब आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। एंड जो राइट वाला है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद मिसलेनियस में गूगल सर्विसेज को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, जो गूगल सर्विसेज एंड कोर एप्स होते हैं उनको आप इनेबल कर सकते हो भाई, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अभी के लिए। एंड गेम स्पेस पैरेलल एप्स, उसके बाद यही स्कारलेट सिस्टम मैनेजर आपको मिलेगा, सिस्टम बूस्ट का ऑप्शन है और अग्रेसिव आइडल मोड है जिसको मैंने इनेबल नहीं किया क्योंकि ये सभी एप्स को किल कर देता है बैकग्राउंड के अंदर। और यहाँ पे स्क्रीन ऑफ रिंगर मोड आपको मिलेगा। उसके बाद अनलॉक हायर FPS वाले ऑप्शन मिलेंगे, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है। नेविगेशन में आपको यहाँ पे जो है पिक्सल एनिमेशन मिल जाएगा। एंड नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे नॉइजी नोटिफिकेशन हैं, उसके बाद वही सारे टिपिकल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। क्विक सेटिंग्स में क्लॉक है और यहाँ पे बैटरी स्टाइल्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड जो कॉलम एंड रोज है ना उनको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्टिकल लेआउट है, डेटा यूसेज का ऑप्शन है, क्लियर ऑल की कस्टमाइजेशन है। उसके बाद यहाँ पे साउंड में स्क्रीनशॉट साउंड का ऑप्शन है और इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एंड स्टेटस बार में अगर आप देखोगे क्लॉक स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे और नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर आपको मिलेगा एंड वाईफाई स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड आइकॉन ऐड हो चुका है, कलर्ड आइकॉन्स हैं, लोगो का ऑप्शन है, उसके बाद बैटरी स्टाइल्स यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिलेंगे, एंड वॉल्ट आइकॉन की कस्टमाइजेशंस आई थिंक आपको यहाँ पे नहीं मिलती। एंड यूजर इंटरफेस में जाओगे, चार्जिंग एनिमेशन आपको मिलेगा, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन है, मॉनिटर सेटिंग्स आपको मिल जाती है, यहाँ पे थीम आपको इंजन देखने को मिलेगा जिसमें एम्बियंट AOD कस्टमाइजेशंस है, और अभी आप ना यहाँ पे क्लॉक के जो फॉन्ट्स हैं उनको चेंज कर सकते हो लॉक स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस तरीके से आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉन्ट्स है वो आप अभी डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, ये फीचर काफ़ी सारी रोम्स में आ चुका है। एंड फॉन्ट स्टाइल्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, एंड इस बार आपको कुछ इस तरीके से इसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। देन सिस्टम आइकॉन पैक है, नेविगेशन बार स्टाइल्स है, क्विक सेटिंग का स्टाइल्स आपको मिलेगा, और सिग्नल आइकॉन है, उसके बाद वॉल्यूम स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। वाईफाई स्टैंडर्ड आइकॉन्स हैं, और ये आपको सेटिंग का स्टाइल मिलेगा जो कि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज के अंदर चेकआउट कर रखा है। यहाँ पे यूजर इंटरफेस में ना एम्बियंट डिस्प्ले वाले या फिर थीम इंजन में जो चीज़ें हैं वो भी इकट्ठी हो चुकी हैं, पहले ये सेपरेटेड थे, बाहर आपको देखने को मिलते थे। अगर आप डिस्प्ले में आओगे, टैप टू वेक है, प्रिवेंटल एक्सीडेंटल वेकअप है, टैप टू स्लीप है, एंड हाई टच पोलिंग रेट का ऑप्शन मिलेगा। एंड लाइव डिस्प्ले में आपको कलर प्रोफाइल्स मिलेंगे जो हमें सीआर ड्रॉइड के अंदर भी मिलते हैं, और कलर कैलिब्रेशन एंड पिक्चर एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको यहाँ पर जो है अपग्रेड्स मैक्सिमम 6x10 तक मिलेंगे। थीम्ड आइकॉन जो आपको सिस्टम आइकॉन्स है उसमें सपोर्ट नहीं मिलता, तो आपको सेपरेटली कोई आइकन पैक डाउनलोड करना होगा जिसमें इसका सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और बैटरी में थर्मल प्रोफाइल्स है, बैटरी यूसेज का ग्राफ कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको मी साउंड इनहेंसर देखने को मिलेगा हाईफाई ऑडियो के साथ, हैप्टिक फीडबैक की इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। सिक्योरिटी में फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड जो सिस्टम है ना उसके अंदर मैं जेस्चर्स वगैरह चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा, पिल की लेंथ, हाई डायमी, बटन स्पेस, बैक जेस्चर हैप्टिक, और बैक आओगे तो 2 बटन 3 बटन है, और डबल टैप का ऑप्शन है। प्रेस एंड होल्ड पावर मेन्यू में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एंड अपडेटर आपको मिल जाएगा OTA अपडेट्स को चेकआउट करने के लिए। ये अपडेट ना मैं 90 FPS BGMI के लिए आपको रिकमेंड कर सकता हूँ भाई, जो परफॉर्मेंस है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में वो काफ़ी कमाल की आपको देखने को मिलती है इस अपडेट की। एंड कोई भी मेरे को क्लोज रेंज में मेजर FPS ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिला, ना ही कोई हीटिंग इशू आया, और ना ही कहीं पे यहाँ पे जो है पाम टच या फिर जो है टच के रिगार्डिंग प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी। सो ओवरऑल जो अपडेट है भाई काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग आपको मिलेगा। मेरे को मेन था कि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग फिक्स हो जाए, क्योंकि भाई जो बैटरी है ना पोको X3 प्रो की, उसको अगर आप 2000 mAh के आसपास यहाँ पे चार्ज करने लगोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फाइनली वो इशू मेरे लिए फिक्स हो चुका है, और गेमिंग पहले से ही काफ़ी बेटर है, तो आप इसको डेफिनेटली गेमिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करके जाया करो।